पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया में। नॉनवेज के शौकीन के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच सुंदरम अहुना मटन 11 दिसंबर से आपकी सेवा में। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड नवगछिया। लजीज एवं लज्जेदार मटन एवं चिकन के लिए अवश्य पधारें। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं अच्छी आई। शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम। बिहार सरकार ने सभी एसडीएम को दिया आदेश, आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों पर तत्काल एक्शन। बिहार सरकार ने आरटीआई कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने वालों को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के प्रधान सचिव प्रमंडलीय आयुक्त आईजी डीएम एसपी को पत्र भेजा है। किसान आंदोलन में राष्ट्रपति के सामने विपक्ष की गुहार, नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। देश भर में नए कृषि कानून का विरोध करते हुए अब विपक्षी दल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से गुहार लगाने पहुंचे। विपक्षी दलों के 5 नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर राष्ट्रपति के सामने पूरी स्थिति रखेंगे। नितिन गडकरी कल करेंगे नए कोइलवर पुल का उद्घाटन, सीएम नीतीश भी रहेंगे मौजूद। पटना को आरा जिले से जोड़ने वाले कोइलवर पुल के समानांतर सोना नदी पर बन रहे लाइन वाले पुल पर वाहनों का परिचालन 10 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। कल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस पुल का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल के उद्घाटन समारोह में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री जी, सुशासन राज में भी अब डर लगने लगा है। कारोबारी कह रहे हैं अब भय लगने लगा है। बिहार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, तभी तो अपराधियों में पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म हो गया है। नीतीश कुमार बिहार की लॉ एंड ऑर्डर पर पटना में हाई लेवल मीटिंग पर मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई फायदा मिलने तक से रहता है। आज ही सीएम नीतीश कुमार कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय मीटिंग कर रहे थे। उधर दरभंगा में बदमाशों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया और करोड़ों का सोना लूटकर फायरिंग करते हुए फरार हो मिले कोरोना के 690 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 24,939। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 690 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 24,939 हो गई है। बिहार में फिलहाल 5,847 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। शर्मसार करने वाली यह घटना सदर अस्पताल की है, जहां प्रेग्नेंट महिला को दिया गया एक्सपायरी इंजेक्शन। अगर आप भी बिहार के सरकारी अस्पताल से दवा ले रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं। वहां पर दवा लेते समय एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें, क्योंकि इस समय अस्पताल में एक्सपायर हो चुकी दवाई का भीषण वितरण किया जा रहा है। बिहार सरकार भले ही लोगों के सेहत के प्रति गंभीर हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कोरोना काल में बिहार के हेल्थ सिस्टम को लेकर न जाने कितने लोग सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था ठीक होने का नाम नहीं ले रही। व्यवस्था लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करती है। ताजा मामला जहानाबाद सदर अस्पताल की है, जहाँ डॉक्टरों ने एक गर्भवती महिला को 6 महीने पहले एक्सपायर इंजेक्शन दे दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना लागू, मोदी कैबिनेट ने नए कर्मियों के लिए खोला पिटारा। मोदी सरकार ने देश में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। 1 अक्टूबर 2020 से इस योजना को लागू किया जाएगा। सरकार ने इसमें 22,810 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में इस योजना में 1,584 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक में इस योजना पर मुहर लग चुकी है।
लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश कर रहे हैं हाई लेवल मीटिंग। अपराधियों ने डाली खुली चुनौती। बिहार में बढ़ती अपराधी घटनाओं और बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बिहार के डीजीपी के साथ, मुख्य सचिव और अन्य वरीय अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कर रहे हैं, जहाँ इस मीटिंग में नेक संवाद में इस बैठक का आयोजन किया गया। सड़क हादसे में पत्नी बेटी समेत बीएसएफ जवान की मौत, पार्थिव शरीर पहुंचा मधेपुरा। दर्दनाक सड़क हादसे में पत्नी बेटी समेत बीएसएफ के मृत जवान का शव जैसे ही आज पैतृक गांव मधेपुरा पहुंचा, घर में कोहराम मच गया। वहीं जवान के सम्मान में अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। पटना में दो बड़े बिजनेसमैन भाई रहस्यमयी ढंग से लापता, मोबाइल भी है स्विच ऑफ। सफेद फॉर्चुनर गाड़ी खड़ी देख परिजनों में खौफ। जा रहा है कि व्यवसायी बंधु के लापता होने की खबर सामने आई है। दोनों व्यवसायियों का नंबर स्विच ऑफ है। फॉर्चुनर गाड़ी छोड़कर जाना संशय लगता है। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप और नहीं, दोनों व्यवसायी कोई और नहीं बल्कि बिहार राइस मिल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राकेश कुमार गुप्ता एवं उनके छोटे भाई अनिल कुमार गुप्ता है, जो अचानक लापता हो गए हैं। बिहार में हाल के दिनों में